माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गार्डनिंग एट होम। और फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारे गार्डन में खिल रहे कुछ विंटर फ्लावर्स पे है जो अभी भी मेरे गार्डन में ब्लूम कर रहे हैं, तो वो मैं आपसे शेयर करना चाहती थी। और देखिए, मई का भी मिड आ गया है पर अभी भी मेरे गार्डन में कुछ विंटर प्लांट्स ब्लूम कर रहे हैं। और मैं बिल्कुल जानना चाहूँगी, अगर आपके गार्डन में भी ब्लूम कर रहे हैं तो बिल्कुल मुझसे शेयर करिएगा। आप मेरे FB पे शेयर कर सकते हैं, मुझसे Instagram पे भी शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए मैं अपनी कुछ विंटर प्लांट्स की ब्लूमिंग आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले देखिए, ये हॉली हॉक है जो अभी भी मेरे गार्डन में ब्लूम कर रहा है और काफ़ी सारे कलर्स में ब्लूम कर रहा है। देखिए, ये लाइट पिंक कलर में है और ये एक और शेड है, थोड़ा वाइटिश शेड पे है। और सेम इधर भी देखिए, डार्क पिंक कलर में है जो अभी भी मेरे गार्डन में बहुत ही खूबसूरती से ब्लूम कर रहा है। और इसमें बर्ड्स भी बहुत सारे बने हुए हैं, ऐसा नहीं है कि बस इतनी ही ब्लूमिंग है, अभी भी इसमें बर्ड्स जो हैं वो ब्लूम हो रहे हैं और काफ़ी अच्छे से ब्लूम हो रहे हैं। तो चलिए अब सेकंड प्लांट के पास चलते हैं। और सेकंड प्लांट आपको मेरे यहाँ पे देखिए बुगेनविलिया के पास ही दिख रहा है, डॉग फ्लावर, और ये भी बहुत ही अच्छे से ब्लूम कर रहा है अभी और बहुत ही खूबसूरती से। साथ में रोज़ भी हमारी विंटर प्लांट में ही आते हैं और इसमें भी ब्लूमिंग काफ़ी अच्छी है। देखिए, एक रोज़ मेरा इधर भी है जिसमें 3 फ्लावर खिले हुए हैं एक साथ और बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। तो बिल्कुल रोज़ भी मेरे गार्डन में अभी भी ब्लूम कर रहे हैं काफ़ी अच्छे से। और नेक्स्ट प्लांट जो है फ्रेंड्स, वो है देखिए, ये हमारा गुलदाउदी, और इसके भी कई सारे कलर्स मेरे गार्डन में ब्लूम कर रहे हैं। आपको ये दिख रहा है मेरे बादामी कलर का, देखिए ये, इसमें भी कई सारे बर्ड्स आए हुए हैं और इसमें भी फ्लावरिंग काफ़ी अच्छे से हो रही है। और मैं आपको और भी अपनी गुलदाउदी दिखाती हूँ। देखिए, ये हमारी वाइट वाली जो गुलदाउदी है ये भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रही है। और ये हमारे जिरेनियम, देखिए जिरेनियम आईवी है रेड कलर वाला, ये भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम कर रहा है। इधर देखिए, मेरी पिंक वाली गुलदाउदी है जो अभी भी लगातार ब्लूम कर ही जा रही है, काफ़ी सारे बर्ड्स इसमें आए हुए हैं और काफ़ी सारे फ्लावर्स भी खिले हुए हैं। इधर भी देखिए गुलदाउदी है, ये येलो वाली, वाइट वाली, सब में ब्लूमिंग है अभी भी। इधर भी देखिए, हमारे गुलदाउदियों में काफ़ी अच्छे से बर्ड्स भी बने हुए हैं और फ्लावर्स भी खिल रहे हैं बहुत सारे। और ये हमारा देखिए कितना खूबसूरत ब्लूम कर रहा है अभी भी। तो वर्बीना भी मेरे ये सालों साल चलता है, ये प्लांट मेरे पास लगभग 2-3 साल से है और अभी भी बहुत ही खूबसूरती से ब्लूम कर रहा है। देखिए, गुलदाउदी की एक और ये क्वालिटी है और इसमें भी काफ़ी अच्छे से बर्ड्स बने हुए हैं। इधर मेरे एक ये देखिए पर्पल वाले टैकोमा में कितनी खूबसूरती से ब्लूमिंग हो रहा है, बहुत सारे नंबर्स ऑफ बर्ड्स भी आए हुए हैं और बहुत ही बेहतरीन फ्लावरिंग कर रहा है, इसमें बंचेस में फ्लावर खिल रहे हैं इस समय। और साथ ही में देखिए, ये हमारे गजानिया में भी बहुत ही खूबसूरती से ब्लूम कर रहा है, हालांकि ये वाले बंद हो गए हैं, इवनिंग का समय है, पर गजानिया। और ये हमारे कैलेंचोस, इसमें भी काफ़ी अच्छे से ब्लूम हो रहा है। वहाँ पे देखिए हमारे जिरेनियम पिंक वाले, यहाँ पे लाइट पिंक, ये भी बहुत ही अच्छे से ब्लूम कर रहे हैं। और गजानिया मेरे बहुत सारे ब्लूम कर रहे हैं इस समय भी, देखिए ये। और देखिए, ये हमारा पर्पल वाला साल्विया, इसमें भी काफ़ी खूबसूरत ब्लूमिंग अभी भी हो रही है। और मेरे डेलिया में भी अभी ब्लूमिंग हो रही है, देखिए आपको एक पर्पल डेलिया है यहाँ पे दिख जाएगा, बहुत ही खूबसूरती से इसमें फ्लावर खिले हैं। मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ पर बहुत ही बिग फ्लावर खिला हुआ है ये देखिए डेलिया में। और ये देखिए, ये मेरा स्मॉल वाला डेलिया है, ये भी अभी भी ब्लूमिंग कर रहा है। और मेरी स्वीट विलियम में भी अभी बहुत सारी ब्लूमिंग हो रही है। साथ ही में मेरे विंटर प्लांट्स में देखिए, पिटूनिया में भी अभी बहुत ही खूबसूरती ब्लूम हो रही है, काफ़ी खूबसूरती से, ये देखिए सारे ही कलर्स में ब्लूम अभी हो रहे हैं। और इसलिए मैंने अभी ये प्लांट बिल्कुल भी हटाया नहीं है यहाँ से,
मेरी सारी ही पिटूनिया में ब्लूमिंग हो रही है। ये देखिए स्वीट विलियम का एक और कलर, साथ ही में देखिए मेरे अजेलिया में भी बहुत ही खूबसूरती से कई सारे फ्लावर्स खिले हैं। सिर्फ इसी प्लांट में नहीं, इधर भी मेरे अजेलिया में देखिए इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है। और साथ में आप ये देखिए, ये हमारा लिलियम, इसमें भी फ्लावर खिलने वाले हैं बिल्कुल देखिए। और ये कुछ दिन में अभी इसमें भी बर्ड्स बन जाएंगे। तो ये हमारे लिलियम के बल्ब से ही न्यू प्लांट ग्रोथ हो गई थी उसमें से। और देखिए इसमें भी कई सारे बर्ड्स बने हुए हैं और कुछ ही दिन में इसमें भी ब्लूमिंग होगी और बिल्कुल मैं आपसे शेयर करूंगी। और देखिए इधर मेरे हैंगिंग बास्केट में भी जेरेनियम लगे हुए हैं रेड और पिंक कलर के, इसमें भी काफ़ी खूबसूरती से ब्लूम हो रहे हैं। यहाँ पे भी मेरे जेरेनियम में देखिए फ्लावरिंग हो रही है, कितने सारे बर्ड्स बने हुए हैं। और ऊपर हैंगिंग बास्केट में भी बहुत ही सारे हमारे पिटूनियाज ब्लूम कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये बिल्कुल हो पाया है मेरे नेट की वजह से, जिससे इनको धूप जो है वो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं मिल रही है और ये काफ़ी अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। इस समय भी इनको ठंडक मिल रही है और बस यही कारण है जिससे मेरे विंटर प्लांट्स अभी भी ब्लूम कर रहे हैं। ये देखिए हमारे पेपर फ्लावर, इसमें भी ब्लूमिंग हो रही है। ये मेरे देखिए रेड साल्विया में भी अभी ब्लूमिंग हो रही है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मेरे गार्डन में अभी भी कुछ विंटर प्लांट्स हैं जो बहुत ही खूबसूरती से ब्लूम कर रहे हैं और बिल्कुल समर प्लांट्स और विंटर प्लांट्स दोनों मिलके मेरे गार्डन को खूबसूरत बना रहे हैं। देखिए हमारे जीनिया वगैरह में भी ब्लूम हो रहा है और स्टार्ट हो गई है ब्लूमिंग सारे में ही। तो फ्रेंड्स बिल्कुल अगर आप भी थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं और अपने प्लांट्स को थोड़ा सा पास पास में करके रख लेते हैं, आप मेरे देखेंगे तो बिल्कुल मैंने पास पास में रखा हुआ है। गर्मियों में प्लांट्स को आप थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट दीजिए कि बिल्कुल उनको एक साथ थोड़ा सा रखिए, थोड़ा टची हो, इससे उनको ठंडक भी मिलती है और साथ ही में उनमें ब्लूमिंग भी बहुत ही अच्छे से होती है। तो बिल्कुल शायद इसी वजह से मेरे भी विंटर प्लांट्स में अभी भी बहुत ही खूबसूरती से ब्लूम हो रहे हैं, हमारे समर फ्लावर्स भी बहुत ही अच्छे से ब्लूमिंग कर रहे हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको मेरा ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा और मेरे जो विंटर ब्लूम्स हैं वो भी पसंद आए होंगे। तो चलिए इसी के साथ अपने वीडियो का भी एंड कर रही हूँ, फिर मिलूंगी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैप्पी गार्डनिंग टू ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स। बाय।